गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एचडीपीएस स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट एसएसटी यूनिट 5 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 मुगल एम्पायर। यस्टरडे आई वाज कंप्लीटिंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डिड हुमायूं लीव इंडिया। हुमायूं ने भारत क्यों छोड़ दिया। हुमायूं लेफ्ट इंडिया बिकॉज ही वाज डिफीटेड ट्वाइस बाय शेर शाह। हुमायूं ने इसलिए भारत को छोड़ दिया था क्योंकि वह शेर शाह के द्वारा दो बार हरा दिया गया। एट द बैटल ऑफ चौसा, पहला तो मतलब पहले उसको हराया था चौसा के युद्ध में, एंड सेकंड एट बैटल ऑफ कन्नौज। इसके बाद सेकंड जो वो था उसको कन्नौज के युद्ध में हरा दिया। ही रिटर्न आफ्टर 5 इयर्स व्हेन शेर शाह डाइड। वह 5 वर्ष बाद लौटा जब शेर शाह मर गया। ही फ्लेड टू पर्शिया। वह उस समय कहां चला गया था, पर्शिया में, एंड टू पॉलिटिकल सेंटर और वहां पर राजनीतिक शरण ली जाती है। ही देन रिकैप्चर्ड हिज पोजीशन इन दिल्ली। उसने पुनः दिल्ली में अपनी गद्दी को प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट द अचीवमेंट्स ऑफ बैरम खान। बैरम खान की उपलब्धियां क्या थी। देखिए बैरम खान वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलिट्री जनरल। यह एक बहुत होशियार मिलिट्री जनरल था। हु सर्व फॉर मुगल एम्परर्स। उसने मुगल सम्राटों की क्या की, सेवा की। हुमायूं एंड हिज सन अकबर। हुमायूं और अकबर की। एंड हैड ग्रेट कंट्रीब्यूशंस इन एक्सपेंडिंग देयर किंगडम। और उसने बहुत ही विशाल बड़ा योगदान दिया मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाने में। बैरम खान लेड अकबर टू हिज विक्ट्री अगेंस्ट हेमू इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। जब अकबर ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू पर विजय प्राप्त की, एज एन एबल रीजेंट ही गाइडेड अकबर। तो उसने अकबर का एज अ गाइडेड मतलब गाइडेड अकबर, उसने अकबर की मदद की